मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, छोटो को ढेर सारा प्यार, बड़ों को पैरी बोरा। गाइस आंख अभी तक पूरी तरह खुली नहीं है, आरब को छोड़ के आई हूँ स्कूल और आज हम 5:30 बजे के उठे हुए हैं। रात को सोते सोते 1 बज गया था, 5:30 बजे आँख खुल गई क्योंकि उसको थोड़ी रिविजन करानी थी। मैंने नहीं करानी थी, उसने खुद ही करनी थी, बट मुझे उठना पड़ा 5:30 बजे क्योंकि उसको उठाना था। फिर उसको चाय दूध वगैरह जो भी उसने पीना होता है वो उसको दिया, तो वो पढ़ने बैठ गया। मैं फिर उसकी यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करने लग गई, तो अभी उसको छोड़ कर आई हूँ और नींद बहुत तेज़ आ रही है। ऐसे लग रहा है बस जबकि मारो और सो जाओ थोड़ी देर, तो अभी मैं सोंगी। बट मैं ना बड़ी कन्फ्यूज़ हो रही हूँ क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है। अब 5:30 बजे उठी हूँ, 7:30 हो रहे हैं तो भूख लग रही है। सोच रही हूँ खा के सोऊँ, फिर सोच रही हूँ आधा घंटा खाने में लग जाएगा, बनाने में लग जाएगा, तो फिर सो जाती हूँ। बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, मतलब खाऊं या सोऊं पता ही नहीं चल रहा। देखती हूँ अभी मैं क्या करती हूँ। और पंजाबी का एग्जाम था, उसने पूरी तैयारी खुद की है क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती, बोलनी आती है, समझ आती है, लेकिन पढ़नी लिखनी नहीं आती। तो इसीलिए उसने पंजाबी की पूरी प्रिपरेशन एक दिन के अंदर 12 चैप्टर्स वगैरह खुद किए हैं, जो भी किए। उसकी ट्यूशन भी कोई नहीं लगी हुई थी। तो चलिए अब देखते हैं पंजाबी में क्या करके आते हैं। माशी जी लास्ट टाइम भी मार्क्स तो अच्छे ले आया था, अब इस बार देखो बहुत डर रहा था, कह रहा है मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। मुझे मैथ्स में नहीं हो रही थी घबराहट, लेकिन मुझे पंजाबी में बहुत डर लग रहा है। तो चलो वो बच्चे हैं, हम जितना कर पाएंगे कर पाएंगे, क्या कर सकते हैं ना। बच्चे खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जो हमने नहीं कराया। तो चलिए मैं सोच रही थोड़ी सी चाय तो बना ही लेती हूँ, चाय पी के फिर आराम से झपकी मारती हूँ, नींद अच्छी आ जाएगी। वेलकम गाइस, सुबह तो नींद नींद में आपसे हाय हेलो टाटा बाय बाय सब हो गई और मैं फिर सो भी गई। टाटा बाय बाय हो गई और मैं सो गई, क्या बात है। तो अब मैं जा रही हूँ आरफ को लेने, टाइम हो रहा है 11:15। एक्चुअली 5 मिनट ऊपर हो गए, मैं 5 मिनट लेट हो गई, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए वेट करना पड़ता है बाहर जाके। और आज मैं लपेटने नहीं हूँ, एक्चुअली मौसम काफी ठीक है, धूप थोड़ी सी है तो मन कर रहा है कि धूप में जाओ, ठंडा ठंडा सा है। हेलमेट कैरी करना पड़ेगा क्योंकि आज चलान वाले बहुत खड़े हैं। तो मेरे हस्बैंड का फोन आ गया, हेलमेट पहन के जाना भाई, चलान मत कटवा लेना। तो आज मैं हेलमेट पहन के निकल रही हूँ आरफ को लेने और अब उसको लेकर आती हूँ। फिंगर क्रॉस, देखते हैं उसका एग्जाम कैसा हुआ। मैं आरफ को ले आई, आरफ का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है और अब मैं जा रही हूँ बेटी के साथ क्योंकि आज गलती से ना उसको छुट्टी मिल गई है। मतलब कुछ 15-20 दिन बाद ना, हाँ आज कुछ 15 दिन बाद गलती से छुट्टी मिली है। और हाँ ठीक है, और अब इसके जूते बिल्कुल खराब हो चुके हैं लेकिन अभी भी जिद थी, मैं नहीं जा रही मैं नहीं जा रही। तो मैंने कहा चलो और लेकर आओ अपनी पसंद से, क्योंकि देखो हमारी पसंद अलग होती है, बच्चों की पसंद अलग होती है, तो इट्स बेटर कि वो अपनी पसंद से ही चीज़ें लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैं बेटी को लेकर जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा जूते वूते दिलवा दें, थोड़ा सा मैं कुछ अपने लिए देख लूँ क्योंकि मैं एनिवर्सरी आ रही तो मुझे तो नए कपड़े चाहिए होते हैं। अच्छा अच्छा तो उसके अलावा आपने ब्रासलेट वगैरह कुछ नहीं देखना ना। हाँ देखा ऐसे ही होता है। तो चलिए गाइस चलते हैं बाजार। उसकी शॉप पे आए हैं और जूते पसंद किए जा रहे हैं बट नाक के नीचे कुछ बैठ नहीं रहा। तो ये देखिए यहाँ पे शूज़ अभी देखे जा रहे हैं, 4-5 रिजेक्ट कर दिए गए हैं, अब फाइनली एक और आया, देखते हैं पसंद आता है कि नहीं। हाँ दिखा रहा अंकल, ये साइज आ जाएगा इसको ना, तेरा पैर भी तो छोटा है ना इशू, वही तो मेन प्रॉब्लम है। हाँ नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन ये वाला भी शायद रिजेक्ट हो गया अभी फाइनली। रिजेक्ट नहीं हुआ, आगे से बहुत बड़ा बड़ा ये भी आगे से। न्यूली बॉर्न बेबी के ले ले मेरे शूज गाइस। फाइनली ये वाला शूज डन हुआ है जो नाक के नीचे बैठे हैं, 4 दुकानें घूमने के बाद। अच्छा शॉपिंग करके जूते ले लिए और कपड़े ले लिए जो मैंने एनिवर्सरी पर पहनने अपनी, और अब मंदिर पहुँचे हैं और मंदिर पहुँच के मैं घर जाऊँगी। थोड़ा सा लेटूंगी क्योंकि सुबह 5:30 बजे की मैं उठी हुई हूँ और अब इतनी हालत ख़राब हो रही है ना नींद से, 15-20 मिनट की नींद तो बनती बनती है। तो सोकर फिर उठकर बच्चों को पढ़ाएंगे। तो चलिए चलते हैं मंदिर और बाबा जी का प्रसाद भी ले लिया, अब वेट कर रहे हैं कि माला मुझे मिले और मैं मंदिर में चढ़ाऊँगी। गाइस देखिए मंदिर बिल्कुल 5 बजे से, अंकल बता रहे 5 बजे से रश लगेगा, आरती का टाइम होता है, अभी बिल्कुल खाली है, फटाफट दर्शन हो जाएंगे अच्छे से। जैसा ही नाथ जी, लाइटें वाइटें जल रही हैं, पंखे इतने सुंदर हैं बाबा जी के। जय साईं नाथ जी, जय साईं नाथ जी। मैं घर पहुंच गई और घर पहुंचते ही मेरा फोन वाईफाई से कनेक्ट होते बज रहा है, बहुत सारे मैसेजेस हैं तो अभी पढ़ती हूँ। और मेरी ड्रेस भी आ गई, बेटी के शूज भी आ गए, मंदिर भी हुआ है, फाइनली सारे काम निपट गए, बट मेरी नींद रह गई। तो अभी 15 मिनट की एक झपकी मार के आराम से फिर आपसे मिलती हूँ। शूज दिखाती हूँ, दिखा दिए थे मैंने आपको, बट मैं मेरी ड्रेस नहीं दिखाऊंगी अभी, वो आपको उसी दिन दिखाऊंगी जिस दिन मैं पहनूंगी। ये शुक्र है बच्चों के आने से पहले मैं बिल्कुल रेडी हो गई। और आपको पता है सुबह मैं नहाई थी, बट नहाने के बाद सारे काम शुरू किए थे, सफाई वगैरह, घूमना, बाजार जाना, और मुझे गर्मी लगने लग गई, घबराहट शुरू हो गई। बाजार से आकर, मंदिर से आकर मैं फिर दोबारा नहाई हूँ। मतलब मुझे ना एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है, मैं अगर सुबह नहा लूँ और फिर मैं काम में लग जाऊँ तो मुझे लगता है मैं नहाई नहीं, मुझे अनटाइडी फील होता है बहुत ज़्यादा। तो मैं अब आके दोबारा नहाई हूँ
और फिर कपड़े चेंज किए, मतलब अच्छे से रेडी हुई हूँ, तो अब जाके मुझे लग रहा है कि हाँ मैं पढ़ाने बैठ सकती हूँ। और 15 मिनट की एक झपकी मैंने मार ली, बहुत होता है 15 मिनट भी अगर मिल जाए तो। और रात को राजमा बनाने, तो आज मैं बेटी को पकड़ूंगी, चल भैया राजमा बना, तेरे चक्कर में मेरे को 2 घंटे लग गए बाजार में। तो उसको फाइनली जूते पसंद आ गए, टी शर्ट भी उसकी एक ले ली अच्छी सी, काफी अच्छी ली है, गुच्ची लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो काफी अच्छा है, पर्पल कलर है, बट मैंने अभी आपको दिखाया नहीं, टाइम नहीं लगा, वो मैं दिखाऊंगी। तो अभी बच्चे आ गए हैं, मतलब आना शुरू हो गए हैं, तो मैं आपसे मिलूंगी अब बच्चों को पढ़ाने के बाद, और राजमा बनाएगी आज मेरी बेटी। फाइनली मैं अब फ्री हुई हूँ 9:15 बजे जाकर, क्योंकि मेरे बच्चों का मैथ्स का पेपर है, कुछ का SST का पेपर है, और मेरे खुद आर्मी का साइंस का पेपर है, और उसका मैंने अभी एक ही चैप्टर सुना है, अभी चैप्टर सुनने वाले रह गए, तो बहुत बहुत ज्यादा मैच हुआ पड़ा है। मैं आपको एक्चुअल में दिखाती हूँ आज कितना कबाड़ खाना मचा हुआ है। तो फटाफट घर समेटती हूँ, राजमा सीटी बज रही है, बेटी घर पे थी तो उसने राजमा रख दिए उबलने के लिए, तो राजमा बन रहे, उबल रहे हैं, फटाफट मैं काम करती हूँ। मेरे हस्बैंड आके कहेंगे बस मैं आ गया और तू लग गई रसोई में, टाइम ही नहीं है मेरे पास बैठने के लिए। जब ऐसे बोलते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एटलीस्ट उनको ये होता ना कि मैं घर आया तो मेरे पास बैठे गप्पे मारे, और मैं ऐसा करती नहीं क्योंकि आजकल बिजी चल रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ फटाफट काम निपटाने की। और बेटी को उसके शूज बहुत पसंद आ गए जिसको उसने अपनी पसंद से लिए हैं, और मेरी ड्रेस बहुत अच्छी आई जो मैं अभी आपको नहीं दिखाने वाली। तो चलिए मैं रूम समेटती हूँ। गाइस ये देखिए पूरे कमरे का हाल, देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, आप देख रहे हैं पूरा रूम कबाड़ खाना है। और इधर राजमा मैंने उबलने रख दी है, और ये रूम भी अभी आरव समेट के नहीं गया हुआ, यहाँ पर भी उसकी किताबें को तुम्हें देखो बिखरी पड़ी हैं। तो मैं फटाफट लगती हूँ 5 मिनट के अंदर। गाइस मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है जो यूट्यूब के जरिए मेरी फ्रेंड बनी है, ऋचा जी, और उन्होंने मुझे कॉमेंट किया था कि मेरी स्किन बहुत ग्लो करती है, तो सीक्रेट क्या है। यार मेरा कोई सीक्रेट ही नहीं है, सबसे पहली बात, एक्चुअली मैं बताना भूल गई थी अभी आपको। तो ऋचा जी ये मैसेज आपके लिए है, सीक्रेट कुछ नहीं है, सिर्फ होम रेमेडीज हैं, जितना हो सके केमिकल्स मत यूज कीजिए। इवन मैं खुद मेकअप करती हूँ, बट रात को सोने से पहले मेकअप पूरा रिमूव करके सोती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सुबह के 3 बजे चाहे 4 बजे, मेकअप रिमूव होना जरूरी है। नंबर 2, कॉफी, एलोवेरा और हल्दी थोड़ा सा मिलाकर मिक्स करके पेस्ट बनाइए। अंडर आई सर्कल भी जरूर लगाइए, और पूरा फेस ग्लो करता है, यही मेरा सीक्रेट है और मैं यही करती हूँ। आई डू नॉट गो टू सलॉन्स एंड पार्लर्स एवर, मैं नहीं जाती जब तक कोई शादी फंक्शन ना हो, तैयार होने के अलावा मैं सलॉन्स नहीं जाती, इवन थ्रेडिंग भी मैं घर पे ही करती हूँ। तो इसके अलावा और कोई सीक्रेट नहीं है, आप अप्लाई कीजिए, आप इसको डेली भी लगा सकते हैं, ऑल्टरनेटिव भी लगा सकते हैं, तो आप जरूर लगाइए और आपका फेस भी बहुत ग्लो और शाइन करेगा, पक्का, मेरी गारंटी है। राजमा बन गए हमारे लिए, मतलब मेरे लिए खिचड़ी बन गई, तो ब्लॉग बनाऊंगी तो पंखे लेना शुरू कर देगा। और बाकी थोड़े से चिकन नगेट्स बनाए जा रहे हैं, चिकन नगेट्स मत करो, बनाए जा रहे हैं थोड़े से आरवी के लिए। उंगली डाल दूं? ओ नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ और फिर करती हूँ ब्लॉग को एंड। गाइस ये देखिए कुकर में है मेरी खिचड़ी, मतलब मेरे लिए खिचड़ी, मेरी खिचड़ी, और दूसरे में है राजमा ये देखिए, और तीसरी साइड ये हमारे चड़क, ये चिकन नगेट्स फ्राई किए जा रहे हैं, और मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, बट मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। आप दूसरे के बच्चों का सर डाल दो इसमें, तेरा ना डाल दूं मैं, बड़ा आया। तो बस ये बन गया आज का डिनर, चिकन नगेट्स के साथ करती हूँ आज का ब्लॉग एंड, मिलूंगी आपसे कल अपने नए ब्लॉग में, क्योंकि मेरे काम अभी बड़े पड़े हुए हैं, मशीन में कल रात के कपड़े धुले पड़े हैं जो अभी डाले नहीं है, तो मैं अभी डालने लगी हूँ, और फिर करूंगी आपको। टाटा बाय बाय, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए, और जो मैंने आपको फेस पैक बताया है जरूर लगाइए। ऋचा जी जरूर ट्राई कीजिएगा, एंड इट इज एक्सलेंट फेस पैक। तो चलिए आपके ढेर सारे प्यार के लिए थैंक यू, बाय बाय।